वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनु मैम। अब बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे विलोम पे, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विरोधी होते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुंदर असुंदर, शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं। उन अर्थों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द कई प्रकार से बनते हैं, जैसे उपसर्ग जोड़कर यश का क्या होगा अपयश, मान का क्या होगा अपमान, घात का क्या होगा प्रतिघात, राग का क्या होगा विराग, जय का क्या होगा पराजय। अब उपसर्ग परिवर्तन द्वारा, जैसे आदान का प्रदान, संयोग का वियोग, सुलभ का दुर्लभ। और कुछ शब्द परिवर्तन द्वारा, जैसे दयापूर्ण का क्या होगा दया शून्य, गतिवान का क्या होगा गतिहीन। और हम इसे लिंग परिवर्तन द्वारा भी बना सकते हैं, जैसे माता का पिता, भाई का बहन। और भिन्न शब्द द्वारा भी, जैसे मुख का वाचाल, गुरु का लघु, लाभ का हानि, कटु का मधु आदि। अब मैं कुछ शब्द बोलूंगी, यदि आपको उसका विलोम आता है तो आप मेरे से पहले बोलेंगे, यदि नहीं आता है तो आप मेरे साथ साथ बोलेंगे। और जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, आपको सभी विलोम आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला अधम, तो मैं अधम शब्द बोल के थोड़ी देर रुकूंगी, ताकि यदि आपको आंसर आता है तो आप इसका आंसर बोलेंगे, नहीं तो आप मेरे साथ साथ इसका उत्तर बोलेंगे। जैसे इसका क्या होगा, अधम का क्या होगा उत्तम। तो चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं। अंतरंग बहिरंग, अतिवृष्टि क्या होगा इसका विलोम, अनावृष्टि, अनुरुक्त, विरक्त, अपमानित, सम्मानित, अमृत का विष, अल्पायु, दीर्घायु, आकर्षण, विकर्षण, अगम, सुगम, अंधकार, प्रकाश, अनुग्रह, विग्रह, अपना, पराया, साधारण असाधारण, आदि अंत, अग्रज अनुज, अधुनातन पुरातन, अनुकूल प्रतिकूल, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, अपवयी मितवयी, रुचि अरुचि, अस्त उदय, आगत अनागत, अर्थ अनर्थ, अनाथ सनाथ, अनुराग विराग, अपेक्षा उपेक्षा, अल्पज्ञ बहुज्ञ, रोगी स्वस्थ, आग्रह दुराग्रह, आशीर्वाद श्राप, आकाश पाताल, आजाद
गुलाम, आद्र, शुष्क, आधुनिक, प्राचीन, आयात, निर्यात, आवश्यक, अनावश्यक, आसक्त, अनासक्त, आज्ञा, अवज्ञा, इष्ट, अनिष्ट, उचित, अनुचित, उदार, अनुदार, उन्नति, अवनति, उपयोग, दुरुपयोग, ऊंच, नीच, कठिन, सरल, कनिष्ठ, ज्येष्ठ, आय, व्यय, आविर्भाव, तिरोभाव, आस्था, अनास्था, उच्च, निम्न, उत्थान, पतन, उद्दात, अनुदात, उन्मुख, विमुख, उर्वर यानी उपजाऊ। उर्वर का विलोम क्या होगा? ऊसर, ऐच्छिक, अनिवार्य, आनंद, शोक। बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, यहाँ पे बच्चे शोक लिख देते हैं। शोक ओ की मात्रा नहीं होती, ओ की मात्रा होती है यहाँ पर। आगे, पीछे, आदान, प्रदान, आदर्श, यथार्थ, आंतरिक, बाह्य, आरोह, अवरोह, आशा, निराशा, आहार, अनाहार, इच्छा, अनिच्छा, इहलोक, परलोक, उत्कर्ष, अपकर्ष, उत्साह, निरुत्साह, उदार, अनुदार, उधार, नगद, उपकार, अपकार, उपस्थित, अनुपस्थित, कड़वा, मीठा, कृत्रिम, प्राकृत, आगामी, विगत, आदान, प्रदान, आरंभ, अंत, आश्रित, अनाश्रित, आह्वान, विसर्जन, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उदय, अस्त, उद्दत, विनीत, उपयुक्त, अनुपयुक्त, एकता, अनेकता, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य, औचित्य, अनौचित्य, कठोर, कोमल, कपूत, सपूत, कुटिल, सरल, खेद, प्रसन्नता,
सरल, सुधा, गुण, दोष, गृहस्थ, सन्यासी, चल, अचल, जटिल, सरल, जागरण, निंद्रा, ज्योति, तम, तरल, ठोस, तीव्र, मन, खाद्य, अखाद्य, गत, आगत, गरीब, अमीर, धनी, निर्धन, ग्राम, नगरीय, गीला, सूखा, घात, प्रतिघात, चंचल, स्थिर, जड़, चेतन, जागृत, सुप्त, ताप, शीत, तुच्छ, महान, थोड़ा, बहुत, दिन, रात, दिवस, रात्रि, दे, अदे, कटु, मधु, कृतज्ञ, कृतघ्न, कीर्ति, अपकीर्ति, खल, सज्जन, गगन, धरा, ज्ञान, अज्ञान, गुरु, लघु, घृणा, प्रेम, छा, धूप, पराजय, जय, जीवन, मरण, जन्म, मृत्यु, तामसिक, सात्विक, त्यागी, स्वार्थी, क्रय, विक्रय, खंडन, मंडन, गमन, आगमन, गहरा, छिछला या उथला भी हो सकता है इसका, गुप्त, प्रकट, गोचर, अगोचर, चढ़ाव, उतार, छली, निश्चल, जवानी, बुढ़ापा, जवार, भाटा, तीक्ष्ण, कुंठित, तरुण, वृद्ध, दानी, कृपण, दाता, याचक, दृश्य, अदृश्य, देव, दानव, धनी, निर्धन, नाश, निर्माण, नित्य, अनित्य, निर्मल, मलिन, निषेध, विधि, नैसर्गिक, कृत्रिम, पक्ष, विपक्ष, परतंत्र, स्वतंत्र, परिश्रम, आलस्य, दृढ़, अदृढ़ और विचलित भी होता है, दुर्लभ, सुलभ, दुर्बल,
सबल, दूषित, स्वच्छ और मलिन भी होता है। धूप, छांव, नश्वर, शाश्वत, निर्दोष, दोषी, निरक्षर, साक्षर, निष्काम, सकाम, निंद्य, वंद्य, पुरस्कृत, दंडित, प्रख्यात, कुख्यात, पर्य, सृष्टि, पालक, संहारक, पुरातन, नवीन, बढ़िया, घटिया, भद्र, अभद्र, भारी, हल्का, भेद, अभेद, मान, अपमान, निर्माण, ध्वंस, निंदा, प्रशंसा। निंदा का एक और विलोम होता है स्तुति। निद्रा, जागरण, निरर्थक, सार्थक, नूतन, पुरातन, न्याय, अन्याय, परमार्थ, स्वार्थ, प्रधान, गौण, प्रवृत्ति, निवृत्ति, दुर्जन, सज्जन, धर्म, अधर्म, नास्तिक, आस्तिक, धृष्ट, विनीत, निर्जीव, सजीव, निश्चेत, सचेत, नेकी, बदी, पंडित, मूर्ख, प्रत्यक्ष, परोक्ष, पवित्र, अपवित्र, पाप, पुण्य, प्राचीन, अप्राचीन, प्रेम, घृणा, बंधन, मुक्ति। बंधन का एक और विलोम होता है मोक्ष। भला, बुरा, भूत, भविष्य, मर्त्य, अमृत्य और अमृत भी होता है। मालिक, नौकर, मेहनती, आलसी, यथार्थ, कल्पित, रक्षक, भक्षक, राजा, रंक, लिप्त, निर्लिप्त, वक्र, सरल, वादी, प्रतिवादी, पूर्व, पश्चिम, बूढ़ा, बच्चा, बलवान, बलहीन, भूगोल, खगोल, भौतिक, आध्यात्मिक, महात्मा, दुरात्मा, मिलन, विरह, मंगल, अमंगल,
योगी, भोगी, रत, विरत, लिखित, मौखिक, लेन, देन, बसंत, पतझड़, वृहत, लघु, विशाल, शूद्र, विष, अमृत, शयन, जागरण, शासक, शासित, शुष्क, आद्र, सगुण, निर्गुण, मुनाफा, नुकसान, राग, विराग, लघु, गुरु, लौकिक, अलौकिक, विकल्प, संकल्प, प्रारंभिक, अंतिम, पूर्णिमा, अमावस, वृद्ध, जवान, बाढ़, सूखा, भाग्यवान, भाग्यहीन, मनुज, धनुज, मानवीय, अमानवीय, मृत, जीवित, मुक, वाचाल, यश, अपयश, रचना, ध्वंस। रचना शब्द का एक और विलोम होता है विनाश। रिक्त, पूर्ण, लोभी, संतोषी, वन, मरु, वृद्धि, हास, विपत्ति, संपत्ति, विशाल, सूक्ष्म, विश्वास, अविश्वास या संदेह, शगुन, अपशगुन, शांत, अशांत, शलील, अश्लील, शोषण, पोषण, सजल, निर्जल, साकार, निराकार, सत्कार, तिरस्कार, संपद, विपद, सरस, नीरस, स्थावर, जगम, स्वार्थ, परमार्थ, संगत, असंगत, वृष्टि, अनावृष्टि, विजय, पराजय, विधवा, सद्वा, वियोग, संयोग, विशेष, सामान्य, शत्रु, मित्र, शांति, अशांति या युद्ध भी होता है। शुक्ल, कृष्ण, यक्षम, अक्षम, सत, असत, सपूत, कपूत, समझदार, नासमझ, सरल, कुटिल, सेवक, स्वामी, सहायक, असहायक, स्वर्ग, नरक, संकीर्ण, उदार, दुराचार, सदाचार, सभ्य, असभ्य, समाज, व्यास, सम्मुख, विमुख, सहज, कठिन,
और दुष्कर भी होता है। स्वाधीन, पराधीन, संत, असंत, विकास, अवरोध, विख्यात, कुख्यात, विपन्न, संपन्न, विशिष्ट, साधारण, विस्तार, संक्षेप, शीतल, उष्ण, शुभ, अशुभ, श्वेत, श्याम, सगुण, निर्गुण, सर्द, गर्म, सर्दी, गर्मी, सम, विषम, सक्रिय, निष्क्रिय, ससीम, असीम, स्मरण, अविस्मरण, स्वदेशी, विदेशी, संगठन, विघटन, संधि, विग्रह, साकार, निराकार, साक्षर, निरक्षर, सजीव, निर्जीव, सुख, दुख, सुमति, कुमति, संयोग, वियोग, हास्य, रुद्न, सुगंध, दुर्गंध, संक्षेप, विस्तार, सृष्टि, परलय, हार, जीत, क्षणिक, शाश्वत, शुद्र, महान, संध्या, प्रातः, शांत, अनंत, सुकर, दुष्कर, सुबह, शाम, सूक्ष्म, स्थूल, हंसना, रोना, हस्व, दीर्घ, श्रद्धा, अश्रद्धा, सापेक्ष, निरपेक्ष, सुगम, दुर्गम, हिंसा, अहिंसा, क्षमा, दंड। तो देखा बच्चों, विलोम शब्द बनाना कितना आसान है। निरंतर अभ्यास से हम इसको आसानी से सीख सकते हैं। यदि आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको परीक्षा के समय किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इसमें अधिकतम अंक उठा सकेंगे। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल और सहज बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का रुझान इसके प्रति बढ़े। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और कौन कौन से विषय पे आपको वीडियो चाहिए ताकि मैं आपके लिए हमेशा इस तरह के वीडियो बनाती रहूं। धन्यवाद।